YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 5 हिंदी पाठ 6 इसी का पिटारा। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने बहुत सारे चुटकुले देखे और हंसी का भरपूर आनंद भी उठाया। तो आज हम देखेंगे विमोद शब्द और समानार्थी शब्द। तो पहले हम देखेंगे विमोद शब्द। विमोद शब्द यानी कि विरोधी शब्द। जो शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं उसे बोलते हैं विमोद शब्द। जैसे कि सुख, सुखा तो गीला, मूर्ख तो बुद्धिमान, गलत तो सही, दिन तो रात, दोस्त तो दुश्मन और सुबह तो शाम। दोस्तों, इस शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो पहले सूखा और गीला, इस दोनों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो ज्यादा, तो पहले हम करेंगे सूखा का। कम बारिश होने के कारण गांव में सूखा पड़ा। कम बारिश होने के कारण गांव में सूखा पड़ा, यानी कि सब कुछ सूख गया। सूखा यानी सूख। तो फिर गीला का, ज्यादा बारिश आने के कारण जमीन अभी भी गीली है। ज्यादा बारिश होने के कारण जमीन अभी भी गीली है। तो दोस्तों, देखा आपने दोनों के जो वाक्य हमने बनाए वो भी परस्पर विरोधी हुए। क्यों? क्योंकि ये शब्द है वो एक दूसरे के विरोधी है। अब दूसरा शब्द हम देखते हैं, तो दूसरा शब्द है मूर्ख। उसका विरोधी शब्द है बुद्धिमान। तो चलिए इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमें मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें बुद्धिमान की दोस्ती करनी चाहिए। तो ये भी वाक्य है वो भी परस्पर विरोधी है। फिर हम देखते हैं गलत और सही। तो हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम हमेशा सही ढंग से करना चाहिए। फिर देखेंगे दिन, दिन और रात। तो पहले हम दिन का वाक्य प्रयोग करते हैं। तो दिन में सूर्य का उजाला होता है। दिन में सूर्य का उजाला होता है। रात को सूर्य न होने से अंधकार छा जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों वाक्य हैं वो परस्पर विरोधी। फिर हम देखते हैं दोस्त और दुश्मन। हम दोनों पक्के दोस्त हैं। हम दोनों में कभी दुश्मनी नहीं हुई है। हम दोनों पक्के दोस्त हैं और हम दोनों में कभी दुश्मनी नहीं हुई है। तो ये भी हुए अलग अलग भाव वाले वाक्य, यानी कि विरोधी वाक्य। अब हम देखेंगे सुबह और शाम। तो सुबह और शाम, सुबह मंदिर में आरती होती है। सुबह मंदिर में आरती होती है। शाम को चरवाहे गायों को चराकर वापस आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कई सारे विरोधी शब्द भी देखे और उसका वाक्य प्रयोग भी किया। तो दोस्तों, विरोधी शब्द के बाद अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द को। समानार्थी शब्द यानी कि क्या? तो समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ के शब्द। जिस शब्द के अर्थ समान होते हैं
शब्द को समानार्थी शब्द बोलते हैं, समानार्थी शब्द को पर्याय शब्द भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दो तितलियों के चित्र है, चित्र ए और चित्र बी। इन दोनों तितलियों में आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे। अब हमें क्या करना है, चित्र ए में जो शब्द है उसे हमें चित्र बी से मिलाना है, दोनों की जोड़ी मिलानी है। तो देखिए पहला शब्द है दोस्त, दोस्त का पर्याय शब्द होता है मित्र, दोस्त का पर्याय शब्द मित्र। सुबह, सुबह का पर्याय शब्द होता है प्रातःकाल। मूर्ख, मूर्ख का पर्याय शब्द है बेवकूफ। और वक्त, वक्त का पर्याय शब्द है समय। तो इस तरह से ये हुए पर्याय शब्द। अब पर्याय शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहले हम दोस्त और मित्र का वाक्य प्रयोग करेंगे। तो हम दोनों पक्के दोस्त हैं, हम दोनों पक्के मित्र हैं। फिर सुबह और प्रातःकाल, सुबह हमें जल्दी से उठना चाहिए, प्रातःकाल हमें जल्दी से उठना चाहिए। अब मूर्ख और बेवकूफ का, कौवे ने लोमड़ी को मूर्ख बनाया, कौवे ने लोमड़ी को बेवकूफ बनाया। फिर वक्त और समय का, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, हमें समय के साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो दोनों का अर्थ एक सा ही होता है, समान अर्थ होता है। तो समान अर्थ वाले शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। दोस्तों आज हमने समानार्थी और विरोधी शब्द देखे। आपको और भी समानार्थी और विरोधार्थी शब्द को ढूंढने हैं, ढूंढकर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और बड़ी सी सूची तैयार करनी है। तो आप करेंगे ना ऐसा। थैंक यू वेरी मच।